इतना ही कहने की कोशिश की कि स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि मेरा भाव और विचार 24/7 जो सभी के लिए सुखदायी है सभी जब सभी की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं शामिल हूं कि नहीं मैं भी शामिल हूं जो सभी के लिए सुखदायी है वो मेरे लिए भी सुखदायी है ऐसा मेरा भाव और विचार हो जाए कैसे होगा उसकी चर्चा करना अगला 6 दिन उसी के लिए है। लेकिन एक क्लैरिटी बन गई, इसका मतलब यह हुआ कि जब स्वयं के प्रति विश्वास है तब मैं समस्या के साथ हूं कि तब मैं सॉल्यूशन के साथ है? बोलो बोलो। स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब मैं सॉल्यूशन के साथ हूं कि मैं समस्या के साथ हूं? मैं सॉल्यूशन के साथ। तो ऐसा मानव शिकायत मुक्त मानव है। यदि ऐसा होगा तो इसी का मैनिफेस्टेशन संबंध के प्रति विश्वास होगा। स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब ही संबंध के प्रति विश्वास है। कौन एक्सप्लेन करेगा ये कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा, इसको समझ में आ रहा है? स्वयं के प्रति विश्वास का मैनिफेस्टेशन उसकी अभिव्यक्ति संबंध के प्रति विश्वास के रूप में आता है। कैसे कैसे होगा ये कौन बोलेगा? माइक ये होगा क्योंकि हम समझ रहे हैं कि मनुष्य भी नेचर का पार्ट है और हम सब बायोलॉजिकल लेवल पे सारे मानव एक जैसे हैं। तो अगर हमने भाव और विचार एक के प्रति भी ठीक कर लिया तो ऑटोमेटिकली हम पूरे नेचर के साथ एक एकजुट होकर रह पाएंगे। तो उसी का मतलब ये ठीक है, काफी हद तक ठीक है। तो इसके एक क्लैरिटी ये बन गई कि यदि मेरे को वो टेक्निक, इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, यदि मेरे को वो टेक्निक आ गई जो अभी बहन ने पीछे पूछने की कोशिश किया, क्या नाम आपका? भावना बहन। तो भावना बहन ने जो अभी पूछने की कोशिश की कि वो क्या तरीका है, आधा घंटे पहले किसी के प्रति प्यार आता है और आधा घंटे के बाद लगता है दुनिया में ना ही रहे तो अच्छा है ना? तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे भाव में उतार चढ़ाव है यही हमारे सुख दुख का कारण है और इसमें स्टेबिलिटी आ जाए, दूसरा कुछ ऐसा करता भी है तो मैं उससे प्रभावित ना हूं, तो उसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे को अपने भाव विचार में स्टेबिलिटी का टेक्निक पता चल गया तो दूसरा क्या चाहता है? दूसरा क्या चाहता है? दूसरा भी स्टेबिलिटी चाहता है कि नहीं चाहता? दूसरा भी स्टेबिलिटी चाहता है और मैं स्टेबल हूं तो मेरे साथ, इसलिए समझदार आदमी की एक बहुत अच्छी परिभाषा है, लिख सकते हैं समझदार आदमी का। समझदार किसको बोलेंगे? उसकी एक अच्छी परिभाषा है, स्वयं गलती नहीं करना। नंबर एक, स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की गलतियों से अप्रभावित रहना। स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की गलतियों से अप्रभावित रहना
और दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना। दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना। ऐसा आप चाहते हो कि नहीं? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? तो क्या लिखा लास्ट में, दूसरों को ठीक कर देना या दूसरों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना? और वो होना चाहता है तो उसको सहयोग करना, लास्ट में ही निकलेगा। तो पहला काम क्या चाहता है, मैं ज्यादा दुखी दूसरों की गलतियों के कारण हूं या ज्यादा दुखी मैं अपने भाव और विचार में जो मेरे भीतर कुछ घट रहा है उसकी वजह से। किसी ने 20 साल पहले आपके साथ कुछ गलत किया, अपमान किया, कुछ गलत किया, गाली दिया, अपमान किया, उसने कितनी बार किया? एक बार। आपने अपने आप को कितनी बार परेशान किया? 20 लाख बार। तो सामने वाले ने आपको एक बार दुख दिया है और आपने अपने आप को 20,000 बार दुख दिया है, 20 लाख बार दुख दिया है, तो ज्यादा दुख हमको दूसरों ने दिया है कि ज्यादा दुख हमने खुद को दिया है? खुद को दिया है। तो एक हमारी ये क्लैरिटी बन गई। तो जैसे जैसे हमारा स्वयं के प्रति विश्वास आता है तो मैं भाव और विचार के मैकेनिज्म को समझ पाता हूं, कहां भाव और विचार परिवर्तनशील होता है और कहां वो परिवर्तनशील होना बंद हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, मैं उस जगह को पहचान लेता हूं। उसको पहचानना शुरू करेंगे हम कल से। तो कहां भाव और विचार स्थिर हो जाता है और कैसे स्थिर हो जाता है और कैसे वो अप्रभावित रहता है, इसलिए क्षमा की एक सुंदर परिभाषा है। क्या परिभाषा है क्षमा की? अप्रभावित रहना ही क्षमा है। अप्रभावित रहना ही क्षमा है। सभी लोग एक समान प्रभावित होते हैं कि कुछ लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुछ लोग कम प्रभावित होते हैं? कौन लोग ज्यादा प्रभावित होंगे और कौन कम प्रभावित होंगे? समझदार कौन है? जिसमें स्वयं में विश्वास है। तो जिसमें स्वयं के प्रति विश्वास है वो प्रभावित नहीं होगा। यदि मैं प्रभावित होता हूं तो विश्वास में कमी है, ज्यादा प्रभावित होता हूं तो ज्यादा विश्वास में कमी है, कम प्रभावित होता हूं तो कम विश्वास में कमी है। इसलिए योग्यता की भी सुंदर परिभाषा है, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से ना प्रभावित होना ही मेरी योग्यता है और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है और प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है। आपने पहले ये कहा कि क्षमा अप्रभावित रहना ही क्षमा है और दूसरा दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना मेरी योग्यता है। अभी उसमें मुझे योग्य व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। सही बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा बार क्षमा करते रहे। अभी आप रुक जाओ। अभी आप उस वाले वो कचरे को पढ़ाई देने दो, उसको उठा के मत लाओ। अभी पहले बड़े कैनवस को देखते हैं, फिर छोटी चीजों को, फिर वो कैसे नहीं हो रही है, पहले किस लेवल पे चीजें बदलती नहीं है। जो अभी मैंने बोला ये सारे संसार के लोगों के लिए एक समान अप्लाई होता है कि किसी किसी के लिए अप्लाई होता है? जिंदा रहने की हर लाइन जितने लोग संसार से चले गए हैं, जितने हैं और जितने आने वाले हैं, सबके लिए एक समान लागू होती है। और आप चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, जितना दम है लगा के देखो। जो भी कुछ कहा जाएगा जीने के धरातल पर, जितने लोग संसार में हैं, जितने आए, जितने चले गए, जितने आने वाले हैं, सबके लिए एक समान लागू होता है, क्योंकि जीने की दुनिया में हम सभी एक जैसे हैं। तो एक बार उस जगह को पहचान लेते हैं जहां हम एक जैसे हैं
फिर उस दुनिया को हैंडल करना आसान हो जाता है जहां हम अलग अलग हैं। तो पहले ये पहचान लेते हैं कि कहां हम एक जैसे हैं। तो मैंने तीन भाषा आपको दिया, क्षमा की परिभाषा दिया कि अप्रभावित रहना ही क्षमा है, योग्यता की परिभाषा दिया कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है, और समझदार मानव का परिभाषा दिया स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की गलतियों से अप्रभावित रहना और दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना। इसी का मैनिफेस्टेशन अब मैं कैसा आदमी हूं, अब मैं वो मैकेनिक हूं। आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप परेशान होते हो कि नहीं परेशान होते हो? जैसे मैं अभी एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हम समस्याओं से परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हम समस्या पीछे वालों समस्याओं से परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, हाथ उठाओ। किसी को कुछ नहीं पता, अभी मैं बोलूंगा सारे बदल जाएंगे। देखो अभी कैसे बदलोगे आप। हम समस्याओं से परेशान होते हैं कि समाधान का ना होना हमारी परेशानी है? हाँ, यही यही यही। इसका मतलब ये हुआ समस्याओं से कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होता है। परेशानी किस बात की है? जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई, मैं मैकेनिक हूं तो मेरे लिए गाड़ी खराब होना समस्या है कि अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है। ऐसे आप तो टीचर हो, जब आप क्लासरूम में क्वेश्चन पूछते हो स्टूडेंट को तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक आंख में आंख मिला के आपकी तरफ देखता है, दूसरा किसी की पीठ के पीछे सर छुपा लेता है। ये पीठ के पीछे सर कौन छुपाता है? जिसके पास आंसर नहीं होता, मेरे से मत पूछिए, और जिसको लगता है कि हाँ मैं से पूछूं, पूछो तो सही, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। तो मैं कोई चीज को समझता हूं, आपका क्वेश्चन पूछना मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है ताकि मैं बता पाऊं और ताकि मैं इस बात का भरोसा पा सकूं और दिला सकूं कि मेरे पास आंसर है। मैकेनिक की गाड़ी खराब होती है तो मैकेनिक के लिए प्रॉब्लम है क्या? उसको पता है खराब होती है, रोकता है उसको, दो हाथ जोड़ जोड़ कर मैं करता है, ठीक हो जाती है। इसका मतलब है प्रॉब्लम किसके लिए प्रॉब्लम है? जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब बाहर प्रॉब्लम्स हैं कि बाहर अपॉर्चुनिटीज हैं? बाहर अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम उसके लिए है जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है। बढ़िया, जोर से ताली, तुमसे ताली तो भूल जाएगा। बहुत कुछ बदल जाएगा 7 दिन में, आज पहला दिन है, बहुत कुछ बदलने वाला है 7 दिन बाद। ऐसे ऐसे ये नेचुरल ब्यूटी पार्लर है, सीरियसली बोल रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। माइक, जैसे भैया समझदार व्यक्ति की परिभाषा आपने बताई, तो जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि एक फाइन लाइन है प्रभावित नहीं होना और इग्नोर कर देना। जैसा कुछ एक इंसिडेंट हुआ फ्रेंड्स के बीच में, फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो किसी ने कुछ ऐसा किया तो पता चला कि गलत किया, तो उसको कुछ नहीं हम रिएक्ट करें, यानी वो इग्नोर करना हो गया, और रिएक्ट करें यानी सामने वाले को हर्ट हो गया। नहीं, रिएक्ट करना का तो रिएक्ट तो नॉट बिकॉज के प्रभावित हुए, बिकॉज दैट वाज रॉन्ग, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच में। नहीं ठीक है, मैं सोच रहा हूँ अभी हम बहुत प्राइमरी लेवल पे हैं, इसलिए घटनाओं की चर्चा करके अभी सॉल्यूशन निकाल पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कम से कम इतना बोल सकता हूँ कि यदि हमने किसी को इग्नोर किया है तो हमारे अंदर माइंडसेट क्या हो। तो दो तरह के माइंडसेट हो सकते हैं, सामने वाला जीने के लायक ही नहीं है, इसके साथ जिया ही नहीं जा सकता है, या सामने वाले के साथ जीने की मेरी कैपेसिटी अभी नहीं है, सामने वाले को हैंडल करने की अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो जब भी मैं ये मानता हूं कि सामने वाले को हैंडल करने की अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं उसको होल्ड पे रखता हूं, नकारता नहीं हूं और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता हूं, और कल कैसे उसके साथ जिया जाएगा उसको समीकरण को निकालो।
तो किसी भी रिलेशन से भागना सोल्यूशन नहीं है। अभी की स्थिति में यही हो रहा है ना, बच्चे माँ बाप को लड़ते हुए देख रहे हैं और तय कर रहे हैं कि हमको शादी नहीं करना है, ठीक। या समाज में जो कुछ एकता कपूर के सीरियल से लेके आजू बाजू जो कुछ घट रहा है उसको देख के तय कर रहे हैं कि शादी करना झंझट है। तो शादी करना झंझट है तो शादी से भाग जाना सोल्यूशन हुआ कि शादी को सफल कर देना सोल्यूशन हुआ, ठीक। तो परिवार में, परिवार में या दोस्त के साथ में नहीं बनती है तो भाग जाना सोल्यूशन हुआ कि फाइनली सफल कर लेना सोल्यूशन हुआ, ठीक है। सफल करने में 5 साल भी लगे, 10 साल भी लगे, जो भी लगे, लेकिन मेरा माइंडसेट क्या हो उस पर धीरे धीरे डिपेंड करेगा। तो माइंडसेट वही था कि सफल करने का प्रयास किया गया, बट हो सकता है शायद तरीका गलत होगा। तरीका गलत हो सकता है, अभी उस लेवल का हमारा विजडम ही नहीं है, उस लेवल की हमारी क्लैरिटी ही नहीं है कि हम उसको हैंडल कर सके जी। तो देखते हैं, एक बार 6 दिन 7 दिन पूरे होते हैं तब देखते हैं ये पिक्चर। खैर, मैं जिस पॉइंट को कहने की कोशिश कर रहा था मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि स्वयं के प्रति विश्वास है तो इसका रिफ्लेक्शन संबंध के प्रति विश्वास के रूप में आता है। इस पे आपको ये बात आपको पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? कितने लोगों तक पहुंच रही है? यदि स्वयं के प्रति विश्वास है, स्वयं के प्रति विश्वास में कमी का रिफ्लेक्शन ही नहीं जिया जा सकता है, इस रूप में पहुंचता है। आगे चलो, देखो एक बार स्वयं के प्रति विश्वास का मजा क्या हो सकता है। एक व्यक्ति जो अपने आप में तमाम तरह की नेगेटिविटी से मुक्त है, जो अपने आप में विश्वास से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है, संभावनाओं से भरा हुआ है, जिंदगी से भरा हुआ है, उसकी अपनी स्टेट ऑफ माइंड कैसी होगी, कैसा होगा उसका अपना स्टेट ऑफ माइंड? कैसा होगा? स्टेबल होगा, बढ़िया होगा, खुश होगा। फिर बाहर से कुछ कम ज्यादा भी आता है, मेरी 1 करोड़ की कमाई रोज की है और 10-20 हजार का नुकसान हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए वो नेग्लिजिबल है। मेरी 10 फैक्ट्री चलती हैं, 20 फैक्ट्री चलती हैं, 1 फैक्ट्री में थोड़ा बहुत लॉस भी आता है तो क्या फर्क पड़ता है? और मेरे को पता है ये तो कम ज्यादा होता ही रहता है, आज है कल ऐसा, ठीक हो जाए, तो मैं प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब है कि स्वयं के प्रति विश्वास संबंध में विश्वास के प्रति मैनिफेस्ट होता है। स्वयं में जीने की तृप्ति, अपने भाव और विचार में पूर्णता की तृप्ति, अपने भाव और विचार की स्टेबिलिटी से जो मुझको खुशी मिलती है और संबंध में जीने के विश्वास से जो मुझको खुशी मिलती है, ये खुशी परिवार में समृद्धि, परिवार में अभाव का अभाव होना, क्या मतलब अभाव का अभाव? कितने लोग समझ पा रहे हैं? बोल के बताओ, माइक लो। शब्दों में क्लियर अभी नहीं हुआ, पर आपने जो समझाया था वो समझ में आ गया। क्या? अभाव का अभाव। क्या है वो तो बताओ, आपके शब्दों में बता दो, हमारे में नहीं आया तो क्या हुआ? अभाव का अभाव मतलब, पीछे मैं जो भाव का अभाव ना हो वही अभाव है, मतलब भाव व्यक्त करना चाहते हैं तो उसका कोई अभाव नहीं, स्वीकृति हो गई है ऐसा, तो स्वीकृति का सबको भाव हो गया है तो उसका भी अभाव ना हो परिवार में वो। उधर माइक दो। भाव का अभाव होना ही है, मतलब परिवार में मेरा मेरा ना हो, सब कुछ हमारा हो जाए। हाँ जी, पीछे माइक। हाँ, जो मुझे समझ में आ रहा है मींस बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीज पे जाके बात कर रही हूँ, लाइक अगर आपके फैमिली में कुछ चीज की कमी है बट वो कमी भी आप फील नहीं कर रहे हो, उसका भी आपको अभाव है। फील ना करें, कमी ही ना रहे, कमी ना रहे तो वो अभाव का अभाव है, तो कमी की कमी हो जाए वो अभाव है, कमी की कमी हो जाए, मतलब कोई कमी ना रहे। हाँ,
कोई कमी ना रहे, इसका नाम समृद्धि है। अभी हमारे पास दो तीन शब्द हैं, एक शब्द है गरीबी, एक शब्द है अमीरी और एक शब्द है समृद्धि। गरीबी मतलब, गरीबी मतलब गरीबी मतलब कमी है, तो साधन विहीन है, साधन की भी कमी है, उसको लेके दुखी भी है और दूसरों से कंपेयर करके अपने छोटेपन का एहसास भी होता है, इसलिए दरिद्र भी है। तो साधन की कमी भी है, उसका दुख भी है और कमी का एहसास, दूसरों की तुलना में मानसिक गरीबी का भी एहसास होता है। अमीर का मतलब साधन, क्या लिखूं, संपन्न। दुखी लिखूं कि सुखी लिखूं, सुखी लिखूं, सुखी लिखूं। हाँ, ये जब मैं लिखता हूं थोड़ा बड़ा करके लिखा दिया करो, और बड़ा करो, पीछे लोग बहुत दूर तक बैठे। साधन विहीन, दुखी, दरिद्र, तो साधन संबंध को क्या लिखें, सुखी लिखें, सुखी लिख दो, सुखी लिखो, कंडीशनल है, कंडीशनल है, तो दुखी ही है और दूसरे से कंपेयर करके दरिद्र भी है। समृद्धि को अभी चाय पीते हैं फिर बाद में करेंगे। समृद्ध कैसा है, साधन संपन्न है, सुखी भी है और उदार भी है, तो नया मॉडल आया है। देखो ऐसे भी अमीर साधन संपन्न है, ये अमीर बोलता है कि उसका पड़ोसी बोलता है, जोर से बोलो, पड़ोसी बोलता है, वो थोड़ी बोलता है, वो तो किससे कंपेयर करके अपने आप को छोटा ही माने रहता है। तो साधन संपन्न अमीर को स्वयं साधन संपन्नता नहीं लगती है, किसी के कंपैरिजन में उसको तो बहुत कम ही लगता है, तो साधन संपन्न पड़ोसी को लगता है कि वो है, क्योंकि जो विहीन वाले को ये संपन्न लगता है और ये किसी और को देख के अपने आप को विहीन ही माने रहता है। इसका मतलब है यदि मानसिक रूप से देखेंगे तो स्टेट ऑफ माइंड के लेवल पे गरीब और अमीर एक ही जैसा, फिजिकली एक के पास साधन कम दिखाई देते हैं, एक के पास साधन ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन मानसिक रूप से देखने जाएंगे, मानसिक स्थिति को देखने जाएंगे तो ये अमीरी और गरीबी दोनों ही धरती का बोझ है। कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? समृद्धि को लेकर बात चल रही थी तो हम इसको दो भाग में देख सकते हैं कि एक तो ये कह सकते हैं कि वस्तु की कमी और कमी का एहसास, गरीब कौन है, वस्तु की कमी भी है और कमी का एहसास भी है, तो उसको गरीब बोल। अमीर किसको बोल रहे हैं, एक्चुअली वस्तु की कमी नहीं है, कमी नहीं है लेकिन कमी का एहसास है, किसी के कंपैरिजन में अपने आप को छोटा महसूस करना। और समृद्धि किसको बोल रहे हैं, कमी भी ना हो और कमी का एहसास भी ना हो। ठीक है, तो ना वस्तु की कमी हो, तो एक फैमिली अपने आप में ऐसा फील कर पाए कि जितनी हमारी जरूरतें हैं उससे ज्यादा उपलब्ध है। फाइनली तो ना वो पुराने वाली बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं जैसा है उस पर संतोष कर लो, ऐसा नहीं बोल रहे, तो ना वस्तु की कमी हो ना कमी का एहसास हो,
ऐसी किसी स्थिति का नाम हम समृद्धि के रूप में कह रहे हैं, तो समृद्धि बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन उसके साथ में फिजिकली भी चीजों की अवेलेबिलिटी है। तो इस रूप में देखें तो जितनी अभी तक हमने चर्चा की, तो पूरी चर्चा को हम समराइज करें और 8 दिन में हम क्या ट्रेवल करने वाले हैं, क्या जर्नी करने वाले हैं, उसको 2 लाइन में बोल सकते हैं। देखो यहाँ अब ये कह सकते हैं कि अभी तक जो भी कुछ हमको विज्ञान से उपलब्ध हुआ है, धर्म और अध्यात्म से उपलब्ध हुआ है, उन सब के बावजूद हमारे पास एक परिवार के जीने का स्वरूप अभी तक उपलब्ध नहीं है। क्या बोल रहे हैं? एक परिवार के जीने का स्वरूप हमारे पास नहीं है। इसको और विस्तार से कल चर्चा करेंगे, लेकिन 2 चीजें हमारी जिंदगी में हैं जो हमको तंग करती हैं। एक जिसको कह रहे हैं कि अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। तो एजुकेशन के बढ़ने के साथ साथ अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता बढ़ी है। तो अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता आ जाए, देखो आखिर कितना भी कमाएं, फाइनली कहां खर्च करते हैं? परिवार में। तो कितना भी कमाएं अल्टीमेटली परिवार में खर्च करते हैं और अपना कहने के लिए कोई बचा नहीं है। ऐसे कितने सारे माँ बाप को मैं अभी फेस करता हूं जिनको लगता था कि अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा लें ताकि कल लड़का बिजनेस संभालेगा। तो कोई सीए है, कोई बिजनेसमैन है, और जब लड़का बड़ा होता है वो कहता है कि मेरे को आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है नहीं। अब बाप को लगता है कि सारी जिंदगी फिर मैं क्यों इतनी मेहनत किया, मेरे को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। जिंदा रहने के धरातल पर जैसा हमने सोचा रहता है और जिंदगी में जब चीजें सामने आती हैं तो जैसा हमने सोचा हुआ है धाराशाही हो जाता है। तो इसका मतलब कि 2 बातें कह रहे हैं। एक बात तो ये कह रहे हैं कि अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता हमारी आ जाए, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं को पहचान सके, ऐसी योग्यता परिवार में विकसित हो जाए। अभी स्थिति कैसी है? हस्बैंड को ठीक लगता है तो वाइफ को ठीक नहीं लगता है। देखो पड़ोसी के पास, उसके तो तुम्हारे जैसा है, उसके तो गाड़ी का साइज भी बढ़ गया है, मकान का साइज भी बढ़ गया है। वाइफ को ठीक लगता है तो हस्बैंड को नहीं लगता है, हस्बैंड को ठीक लगता है तो वाइफ को ठीक नहीं, दोनों को ठीक लग जाए तो बच्चों को ठीक नहीं लगता है। क्या पापा पुरानी गाड़ी चला रहे हो, पापा तो और भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, पर क्या करें, काफी सारी चीजें घर में पुरानी हो गई। और आजकल तो सभी समान हैं, सभी सोचने लगे हैं। तो 2 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं है, सारा धर्म अध्यात्म और सारा साइंस सब करने के बाद। क्या? एक, अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है, तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। हाँ, एक उपलब्धि हो गई है कि हमको मशीन के साथ जीने की योग्यता आई है कि नहीं आई है। मशीन के साथ हमारा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कंप्यूटर के साथ में जी लेंगे, कार के साथ में जी लेंगे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, बिना ड्राइवर के कार चल जाएगी? अपनी जिंदगी में सारा दम लगाने के बाद नहीं चल रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता आ जाए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपने फिजिकल नीड्स को, अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पहचान सके, भौतिक आवश्यकताओं को पहचान सके, ऐसी योग्यता हमारे पास नहीं। ये हमारा घर कैसा बनता है, कैसे तय होता है? घर कैसा बनाएंगे, घर कैसा बनाएंगे, कैसे तय होता है?
है, बाजू वाले का कितना बड़ा, ऐसे नहीं बनाएंगे हम, ऐसे घर बनाएंगे उसके बाजू में एक नर्सिंग होम भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने लोग मेरे घर के सामने से निकलेंगे सब देख के बेहोश हो जाएंगे, और मैं बाय नेचर बहुत सेंसिटिव हूं, मैं किसी का दुख देख नहीं सकता, तो मैं बाजू में एक नर्सिंग होम भी बताऊंगा, सबको उठा उठा के उसमें भर्ती करूंगा। तो मेरा घर मैं तय करता हूं कि बाहरी प्रभाव तय करता है। तो अभी मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, मेरा कंट्रोल मेरे पास है कि मेरा कंट्रोल पड़ोसी के पास है, क्या लगता है? हम स्वतंत्र हैं कि गुलाम हैं? जोर से बोलो, गुलाम। तो इसका मतलब है कि इन दो बातों की वजह से, यदि ये मैं गुलामी के कारण मैं हमेशा अभाव की मानसिकता में ही रहता हूं, तो अमीरी एक बड़ी मानसिक गरीबी है। गरीब की गरीबी कितने की? गरीब की गरीबी कितने की? कुछ हजार की, कुछ लाख की। अमीर की गरीबी कितने की? तो पूरी धरती समाज है तो भी कम पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहने में कोई बुराई नहीं है, है ना? यदि हम बहुत इसको इसके प्योर सेंस में लेंगे तो बेसिकली इस धरती पे सारी अव्यवस्था अमीरों की मानसिक गरीबी का एक्सप्रेशन है। सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन यदि बहुत गहरे में जाके बहुत शांति से देखेंगे, जो लोग बहुत पोटेंशियल लोग हैं और बहुत क्षमतावान लोग हैं, जो हजारों लोगों को जिंदगी दे सकते थे, मापदंड गलत है, जीना समझ में नहीं आया, तो हजारों की जिंदगी छीनने के लिए भी उतने ही सक्षम है। जो जिंदगी देने में सक्षम है वो छीनने में भी सक्षम है, दिशा भर मुड़ने की बात है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि अमीरी और गरीबी और सारी शिक्षा का कुल मिला के किस बात का, हम क्यों शिक्षा पाना चाहते? क्योंकि शिक्षा हमको एक आश्वासन देती है कि तुमको अमीर बना देंगे। जॉब मतलब पैकेज, पैकेज मतलब। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अमीरी और गरीबी दोनों धरती का बोझ है, दोनों ही प्रॉब्लम है, दोनों ही मानसिक गरीबी है। एक दूसरे मॉडल की बात कर रहे हैं, समृद्धि की बात कर रहे हैं, जहां ना वस्तु की कमी हो ना जहां कमी का एहसास हो, बल्कि हम दूसरों के लिए सपोर्ट उपलब्ध करा सकें, दूसरों को भी जिंदगी दे सके। तो फाइनली ये कह रहे हैं कि एक परिवार का स्वरूप कैसा होगा, एक परिवार जहां परिवार में संबंध के प्रति विश्वास होगा वहां संबंध का स्वरूप कैसा होगा, संबंध शिकायत के साथ होंगे कि शिकायत सहित होंगे। तो शिकायत मुक्त मानव जब जिएगा तो संबंध में भी शिकायत मुक्त होकर जिएगा। तो संबंध शिकायत मुक्त होगा, शिकायत मुक्त संबंध हो जाए और अभाव से मुक्त परिवार हो जाए, अभाव से मुक्त परिवार हो जाए, तो शिकायत मुक्त संबंध हो जाए, अभाव से मुक्त परिवार हो जाए, क्या इससे अधिक एक परिवार चाह सकता है? एक परिवार की चाहना इससे अधिक और क्या हो सकती है? उसके परिवार में किसी संबंध में कोई बिगड़ा सिकुड़ा शिकायत नहीं है, उसके परिवार में किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं है, ऐसा कितने परिवार चाहते होंगे? कितने परिवार ऐसा चाहते होंगे? आप ऐसा ना चाहें ऐसा आपके बस में भी नहीं। हम सभी ऐसा ही चाहते हैं, धरती के सभी परिवार ऐसा ही चाहते हैं, संबंध शिकायत से मुक्त हो और परिवार अभाव की मानसिकता से मुक्त हो, ऐसा मेरा परिवार हो जाए, ऐसा हम सभी चाहते हैं। इससे अधिक कोई कल्पना आप अपने परिवार के लिए कर सकते हो? इससे अधिक कोई कल्पना आप कर सकते हो? आपको हिंदी समझ में आती है? आती है कि नहीं आती? आती है। तो इससे अधिक की कोई कल्पना आप कर सकते हो अपने परिवार के लिए? कुछ कर सकते हो तो बताओ। तो एक बात ये समझ में आती है कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी परिवार होगा, हर परिवार इतना ही चाहता है कि उसके परिवार के किसी भी रिश्ते में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं हो, हमारे परिवार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं हो, और ऐसा साल में कुछ दिन बना रहे कि हमेशा बना रहे, ऐसा हमेशा बना रहे। इसमें और कुछ जोड़ सकते हैं? इसमें से कुछ माइनस कर सकते हैं?
तो जो कम अधिक से मुक्त होता है उसका नाम पूर्ण होता है, जो कम अधिक से मुक्त होता है उसका नाम पूर्ण होता है। तो एक परिवार की पूर्णता, एक परिवार की पूर्णता, ये भारतीय परिभाषा है कि वैश्विक परिभाषा है? पूरे विश्व के लिए एक परिवार की परिभाषा का स्वरूप है कि वो शिकायत से मुक्त हो, अभाव से मुक्त हो, या वो समाधान और समृद्धि के साथ हो, समझण के साथ हो, समृद्धि के साथ हो, ऐसा एक परिवार का स्वरूप हो जाएगा। तो हमने एक परिवार के स्वरूप को पहचाना, तो जीता हुआ परिवार किसको बोलेंगे? एक जीता हुआ परिवार किसको बोलेंगे? शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त। यहां बैठे लोगों में से कितने लोग ये बोल सकते हैं कि उनके परिवार में किसी भी रिश्ते में कोई गिला, शिकवा, शिकायत नहीं है, और पूरे परिवार में किसी भी व्यक्ति की मानसिकता में अभाव कभी नहीं आता है? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? सभी चाहते हैं। कितने लोगों के यहां उपलब्ध है? बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि इसमें कोई हमारी गलती है या हम कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जर्नी ही है कि अपनी जर्नी में धीरे धीरे हम इवॉल्व हो रहे हैं इस प्लेनेट पे। मानव अपने अवेयरनेस के लेवल पे, मानव अपने में जागृति में जितना इवॉल्व हुआ है, यदि अभी तक की उसकी सफलता को अप्रिशिएट किया जाए तो कम से कम उसने जिंदा रहने में सफलता पाई है। तो हमारी पिछली तीन पीढ़ियां, हम में से कितने परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवारों में गरीबी देखी है? हम में से अधिकांश लोगों ने या तो अपने फादर या अपने फादर के रूप में हमने गरीबी देखी, और पिछली तीन चार पीढ़ियों ने जम के मेहनत किया है, तो बहुत सारे परिवार कम से कम उस गरीबी की स्थिति से निकल के बाहर आ गए हैं, है ना, कुछ उससे वो थोड़ा आगे चले। तो इसका मतलब हुआ कि देखो, एक समय हमारे को वो ध्यान है जब शादी के समय लड़के के बारे में नहीं पूछते थे, परिवार के बारे में पूछते थे। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, दिल्ली के पास हमारा गांव है, तो ऊंट कितने हैं और पशु कितने हैं और जमीन कितनी है और घर किसका है, उसके आधार पर लड़के की शादी होती थी। धीरे से लड़का क्या करता है ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था। क्या करता है मतलब जो घर में होता है वही करेगा, और क्या करेगा। मतलब बाय डिफॉल्ट था वो। धीरे से हमने आगे बढ़े, जॉब्स की तरफ गए, तो हुआ कि भैया शादी करने के पहले फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होना जरूरी है। किसी के लिए वो 2 लाख है, किसी के लिए 4 लाख है, किसी के लिए वो 50,000 है, जो भी। फिर धीरे से आया कि नहीं, लड़का ही स्टेबल नहीं होना चाहिए फाइनेंशियली, लड़की भी शादी के पहले जॉब वॉब सब कुछ होना चाहिए। धीरे धीरे हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे पहले एक कमाता था, दूसरा खपाता था, आजकल दोनों कमाते हैं, दोनों खपाते हैं। इस बीच में परिवार छूट गया। अब लगभग स्थिति ये आ गई है कि दोनों ही करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। अब दोनों ही जब करियर ओरिएंटेड हो गए तो बच्चे कौन पैदा करेगा, तो बीच में से बच्चे गायब हो गए। तो या तो शादी नहीं करना है, शादी करना है तो बच्चे नहीं करना है, तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। मैं नहीं कह रहा कि ये सही है गलत है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीजों पे हमारा ध्यान जाता है, तो ये समझ में आता है कि बेसिकली क्यों हम इस तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संबंध के प्रति, संबंध में जी पाएंगे इसका विश्वास नहीं है, और पैसा कितना चाहिए वो भी तय नहीं हो रहा है। किसी को देख के अपने आप को गरीब ही महसूस करते हैं, छोटा ही महसूस करते हैं। ऐसा परिवार हो जाएगा तो दूसरे परिवारों के साथ क्या करेगा? जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही, तो दूसरे परिवारों के साथ क्या करेगा? तो यही करेगा, तो दूसरे परिवार भी, दूसरे परिवार भी शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो सकें, यही सही अर्थों में समाज का सूत्र है। तो मैं आपके साथ क्यों मेहनत करता हूं?
मैं आपके साथ क्यों मेहनत करता हूं? है भाई, आपको लगता है यार कुछ खुशी मनाए तो चलो सिंगापुर घूम के आए, तो आप सिंगापुर घूम के घूमने आ जाते हो, हम लोग कहा जगह का नाम क्या, अपराधा, हम अपराधा आ जाते हैं 7 दिन के लिए। तो सवाल इतना ही है कि खुशी क्या है और खुशी कैसे मिलती है। किसी दूसरे की जिंदगी में कोई चमक आती है, उसकी आंखों में कोई चमक आती है, उसको जिंदगी संभावनाओं से भरी हुई दिखाई देती है, उसको जिंदगी फुटबॉल का मैदान दिखाई देने लगती है ना, तो अपने को भी अपनी जिंदगी की सार्थकता समझ में आती है कि हाँ कुछ मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं और कल और अच्छा कर पाएंगे। तो मुझको लगता है कि शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है आदमी बनना, आदमी बनाना। तो हम लोग आदमी का फैक्ट्री चलाते हैं, इसकी जरूरत है कि नहीं? ये काम फीस लेके करेंगे तो कैसा लगेगा है? बोलो बोलो। नहीं आप तो जाएंगे, आने में कोई दिक्कत नहीं है, वो सिविल 5-स्टार होटल में करना पड़ेगा, फिर चाहे कितना भी ले लो। इसका मतलब फिर कोई रिलेशन फील नहीं होगा, हमने पैसा दिया आपने कुछ हमको दे दिया। जो रिलेशन फील तब होता है जब बिना पैसे के फैमिली में भाई बहन से बात करते हैं तो क्या बिल बना के देते, पता चला बाप ने बेटे को बिल बना के दे दिया, तुम्हारा 20 साल का एज है, रोज में तुमसे 2 घंटा बात किया हूँ और है ना 2000 रुपये पर आवर से इतना पैसा हो गया, चुका देना। फिर कोई रिलेशन नहीं है, फिर ठीक है पैसा। मैं ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ शिविरों में मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके पर्स में हिसाब किताब था कि हमारे माँ बाप के साथ इतने रिलेशन है कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया है। क्योंकि अनजाने में कभी माँ बाप भी बार बार ये बताते रहते हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता और हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया है ना। एक दो बार ये बात सुनने से ठीक भी लगता है और आप किस तरह से कहते हो वो भी एक बात है, लेकिन जब आप बहुत रिएक्शन से भर के बोलते हो तो बच्चे को भी कन्वे हो जाता है कि कुल मिला के यार पैसा ही सब कुछ। तो खैर, तो इससे ये समझ में आया कि जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। तो एक परिवार यदि ऐसा जीता है तो हम क्या करें, हमारे पास टाइम पास करने के लिए और कोई तरीका भी तो नहीं। अब घर में कोई झंझट भी नहीं है, अब कोई अभाव भी नहीं है, तो करें क्या? तो शिविर लगा लेते हैं। सभी परिवार ऐसे हो जाएं, दुनिया के सभी परिवार ऐसे हो जाएं, ये किसका काम है? यही समाज और सरकार का काम है। सरकार जिससे हम एक व्यवस्था की अपेक्षा रखते हैं, व्यवस्था का मतलब है सभी ऐसा हो सके, उसके लिए क्या करना होगा, इससे ज्यादा कोई काम दुनिया में है नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं शिक्षा की सबसे पहली सफलता, शिक्षा की सबसे पहली सफलता कि एक परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होकर जी सके। 20 साल मैंने एजुकेशन में लगाया, 20 साल लगा के मेरी मुट्ठी में क्या आया, मैंने कम से कम 20 लाख से 20 से 50 लाख रुपया आज की डेट में हम खर्च कर रहे हैं एजुकेशन, और मेरी जिंदगी का 20 साल जो लौट के नहीं आएगा। जो कुछ हम कर रहे हैं बुरा नहीं कर रहे हैं, बुरे इंटेंशन से भी नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पास है वो कर रहे हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन भी हमको दिखाई दे रही है। तो मैं 20 साल 25 साल लगा के कोई अपेक्षा करूं कि नहीं करूं? देखो बहुत सोचने की बात है, विशेष रूप से जो लोग हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप 2 किलो आलू लेके आते हो, आलू खराब निकल जाता है तो आप क्या करते हो? आप 1 टीवी लेके आते हो, टीवी खराब निकल जाता है तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? वैल्यू फॉर मनी क्या, और कुछ नहीं तो उपभोक्ता फोरम है, तो उपभोक्ता फोरम में चले जाते हो, आपको नया टीवी बदल के देता है। ठीक, मैंने 20 साल लगाए और मेरे सारे सर्टिफिकेट ये बोलते हैं कि सब में 60% से अभाव है, तो जो भी आपने मापदंड रखे थे वो सारे मैंने क्रॉस किए हैं, उसके बावजूद ना मैं परिवार में जीने का कॉन्फिडेंस आया है, ना मेरे को जिंदगी में जीने का कॉन्फिडेंस आया है, तो मैं कहीं शिकायत करूं कि नहीं करूं? किसके ऊपर केस करूं? केस करना बनता है कि नहीं? बोलो भाई, टीचर्स, टीचर कम्युनिटी, केस करना बनता है कि नहीं?
तो मैंने आपको 20 साल दिए, मैंने 20 से 50 लाख रुपया खर्चा किया, कॉलेज से बाहर निकलने के बाद ना मेरे को संबंध में जीने का विश्वास है, ना मेरे को अपनी दो वक्त की रोटी कमाने का कॉन्फिडेंस आया है, नौकरी नहीं मिले तो, और आजकल नौकरी का काफी बुरा हाल है ना, लगभग दिल्ली का हाल बता रहा हूँ, 50% लोगों की सैलरी 50% कर दी गई है, 50% बाहर हो गए, और जिनकी 50% की गई थी अभी वापस रीसेट हुई नहीं है, और आदमी को लगता है कि घर खाली घर बैठने से तो बहुत सारे लोग को वाइफ को प्रॉब्लम थी कि समय नहीं देते हो, कोरोना काल में समय मिला तो बहुत सारे को यहाँ के झगड़े ही बहुत सारे लोग के झगड़े होकर आर पार हो गया, और कई जगह से अच्छी भी बनी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि अब जिम्मेदारी की जगह में अपन आके सोचना शुरू करते हैं तो हमको भी इस बात से एहसास होता है, एक युवा होने के नाते या एक शिक्षक होने के नाते या एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के नाते कि 20 साल में हम क्या दें ताकि लेने वाले को भी खुशी हो, देने वाले को भी खुशी हो। अभी पढ़ाने वाला पढ़ा के थक गया, पढ़ने वाला पढ़ के थक गया है ना, पढ़ाने वाला पढ़ाना नहीं चाहता है, पढ़ने वाला पढ़ना नहीं चाहता है, तो इस सारी स्थितियों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये विचार लगातार तमाम महापुरुष ओशो से लेके, जय कृष्णमूर्ति से लेके, तमाम कोठारी कमीशन से लेके, एनसीएफ 2005 से लेके, सबको उठा के देखोगे तो सब में बार बार एक ही चीज कही जा रही है कि जिंदगी को क्लासरूम में लाया जाए ना, रटन तोते बनाने से उसको मुक्त किया जाए, उसको बेहतर किया जाए, फाइनली उसको ठीक से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा की पहली सफलता है कि एक व्यक्ति ऐसी योग्यता को पा जाए कि वो अपने परिवार में शिकायत मुक्त अभाव मुक्त जीने का कॉन्फिडेंस पा जाए और वैसे जी सके, और शिक्षा की अंतिम सफलता है कि ये धरती युद्ध विहीन हो जाए। आप लोग अपने पर्स में लिपस्टिक रखते हैं, मैं कोई गलत बात नहीं है, आप ऐसा भी सोचो, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, मैं जहां रहता हूं वहां कुछ महिलाएं अपने पर्स में रिवॉल्वर भी रखती हैं, वेस्टर्न यूपी की बात बता, तो इसका मतलब है कि भाई भाई के बीच में कोई हथियार रखने की जरूरत कब पड़ती है, जब प्यार से नहीं। आपकी जानकारी के लिए भाई भाई के बंटवारे के जमीन के और तमाम प्रॉपर्टी के केसेस देश में शायद 60% या 70% केसेस हैं जो फैमिली केसेस हैं। महिलाओं के साथ जो भी कुछ गलत हुआ है उसमें से 70% अपनी फैमिली के लोग हैं, 80% अपनी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिलीज के लोग। इसका मतलब है कि अपराध कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा है, झगड़ा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा है, हम तो अपनों के दुख पाए हुए लोग, और जहां आज ठीक है वहां कल कुछ बिगड़ने वाला है, इस बात की संभावना ज्यादा है। तो इस सारी चीजों को देखते हैं तो इस बात पे हमारा ध्यान चला जाता है कि सही अर्थों में देखा जाए और यदि एक परिवार में जीने का कॉन्फिडेंस नहीं आया तो कैसे हम विश्व शांति की अपेक्षा करें। हम वर्ल्ड में पीस की बात करते हैं, अपने परिवार में पीस आता नहीं है, अपने मन में पीस आता नहीं है, केवल पढ़ा के हम सेमिनार कर सकते हैं, जिंदगी में तो कहीं उसका दर्शन ठीक से हो नहीं रहा। तो इन सारी चीजों को देखेंगे तो जीने की दुनिया को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जीना क्या है। तो जीने का मतलब है कि स्वयं के प्रति विश्वास आ जाए, संबंध के प्रति विश्वास आ जाए, परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए, और यदि दूसरा परिवार शिकायत और अभाव के साथ है तो क्या करेगा। दूसरा परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए, ये मेरे परिवार की जरूरत है कि ये समाज सेवा है, जरूरत है। कल मेरे बेटे की शादी कहाँ करूंगा, लड़की किसी परिवार से आएगी, कल मेरा बेटा या मेरी बेटी कहाँ पढ़ेगा, समाज में पढ़ेगा। दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि 2.5 साल के बच्चे को एक माँ लड़का हो चाहे लड़की हो वो बाहर खेलने के लिए छोड़ नहीं सकती है क्योंकि अब वो सेफ नहीं है। अभी हम लोग हो सकता है छोटे शहरों में रहते हैं, यहाँ अभी इतना खतरा नहीं है, तो एक माँ अपने 2.5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को ग्राउंड में बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दे, अब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़े शहरों का हाल ऐसा हो गया है, और धीरे धीरे हम सब भी उसी जगह में पहुंचेंगे। तो इससे हमारी एक क्लैरिटी बनती है कि बेसिकली एजुकेशन में जो कुछ भी हमने दिया, क्या दिया, एक ही माइंडसेट दिया, बस पैसा ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है, ऐसा आदमी संबंध को वैल्यू कर पाएगा कि साधन को वैल्यू कर पाएगा,
और साधन को वैल्यू कर पाएगा तो जिंदगी कहाँ जाएगी। अभी तक हमको लगता पुराने लोगों ने झेल लिया इसलिए रिश्ते निभा लिए, अब लोगों को लगता है कि क्यों झेला जाए, क्यों झेला जाए तो आप अलग हो गए। तो पहले हम आपस में झेल रहे थे, अब अकेलेपन को झेल रहे हैं। तो अकेले रूम लेके रहते हैं इतना ही कर सकते हो, अकेले आपका वन मैन फैमिली है इतना ही कर सकते हो, फाइनली तो अकेलेपन को झेलना पड़ेगा। तो सोल्यूशन तो नहीं निकला, तो चाहे परिवार में झेल रहे थे कि ऑफिस में झेल रहे थे कि अकेलेपन को झेल रहे हैं, अल्टीमेटली जीना मानव के साथ, मानव अल्टीमेटली मानव के, कोई भी खुशी मिलती है तो क्या करते हैं, कोई भी खुशी मिलती है तो क्या मन करता है, कोई भी खुशी मिलती है तो मैं याद करता हूँ मेरी आज माँ होती तो ऐसा होता, वो सुनती तो उसको ऐसा लगता, मेरे फादर होते तो उनको सुनते तो ऐसा लगता, मेरा कोई अपना होता तो मैं शेयर करता। फाइनली कोई खुशी है तो भी अपनों के साथ शेयर करते हैं, और कोई दुख है वो भी किसी अपने के साथ ही शेयर करते। तो जीना दीवारों के साथ नहीं होता है, जीना गाड़ी के साथ नहीं होता है, जीना खाने पीने के साथ नहीं होता है, जीना तो अपने भाव और विचार में ही होता है, दूसरे के भाव और विचार के साथ होता है। कंफ्यूजन है तो बोलो, जो भी मैं कह रहा हूँ उसको आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा दम लगाइए ना मानने के लिए, और कोई गैप है कोई कंफ्यूजन है तो उस पर बात कर सकते हैं। अब कितने लोगों को लगता है कि हम जी रहे हैं, बीच में याद आ जाता है शिकायत मुक्त अभाव मुक्त परिवार। सुबह से शाम में इतना बदल गया, सुबह सभी लोगों ने हाथ उठाए थे कि हम जी रहे हैं, तो हम जीना किसको मान रहे थे, हम जीना किसको मान रहे थे, जिंदा रहने में मन मानी हो जाए तो जीना हो जाए, जिंदा रहने में मन मानी हो जाए तो जीना हो जाए, बड़ी डेफिनेशन। सुविधा आ जाए, 4-5 लाख रुपए महीने का आ जाए, फिर 20 लाख भी आ जाए और 50 लाख भी आ जाए तो जीना हो जाए। तो कहीं पैसे के साथ हमने जीने को जोड़ा है, कहीं सुविधाओं के साथ हमने जीने को जोड़ा है, कहीं मनमानी के साथ हमने जीने को जोड़ा है, जिससे शादी कर लें बस, इससे बहुत सारे लोग हैं ना, इससे प्यार व्यार हो जाता है, बस उससे शादी हो जाए तो जिंदगी बन जाए, शादी नहीं हुई तो मर ही जाएंगे, शादी होकर दूसरे को मारे डालते। अभी नया फैशन शुरू होने वाला है, अब हम अंतरिक्ष में जाके वर्मा ना डालेंगे, ये नया बिजनेस आने वाला है, पहले से बता रहा हूं। तो 2 करोड़ रुपया में एक आदमी, 4 करोड़ में 2 लोग मिलकर अंतरिक्ष में जाके वर्मा ना डाल सकते, लेकिन फाइनली तो नीचे ही आना है, और नीचे आके जो होना वो पहले से तय है। बोलिए कहा, बोलिए कहां पहुंचे, क्या समझ में आया, एक जो आपने कहा था मेरे ध्यान है उसको एड्रेस कर लेते हैं, क्योंकि वो पॉइंट तो एड्रेस होना चाहिए, उसको एग्जांपल से करते हैं, मेरे पास एक बढ़िया एग्जांपल है उसके लिए, और इससे ये भी क्लैरिटी बन जाएगी कि दिन भर में हमने जो चर्चा किया उसमें से क्या समझ में आया। तो किसी एक शिविर में किसी एक सज्जन ने ऐसी चर्चा में, अभी बहुत क्रिटिकल चर्चा है ना, आप सब सुबह तक जी रहे थे शाम तक सब जिंदा हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होता है ना। तो किसी एक सज्जन ने बहुत गुस्से में खड़े होकर कहा कि मैंने 65 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, अब आप बताओ मैं जिंदा हूं कि मैं जी रहा हूं, अखबार में नाम छपाने के लिए नहीं किया है ना, दूसरे की हेल्प करने के लिए जो कुछ मैंने किया, मेरा ऐसा करना रूप बल धन पद में नहीं आता है, ठीक हो गया, ये इंद्रियों से सुखी होने में भी नहीं आता है, मैंने दूसरों के लिए ब्लड डोनेट किया और जिंदगी भर में करता आया हूं, इसको जीना बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे,
अब आप बताइए, आपसे क्वेश्चन है, हम व्यक्ति से परिचित नहीं है इसलिए उस बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। इस एक्टिविटी को, ब्लड डोनेट करने की एक्टिविटी, जिंदा रहने में आएगी कि जीने में आएगी? है बताइए, वोटिंग कर लेते, वोटिंग कर लेते। तो नहीं, बताने की जरूरत तो ऐसी थी ना कि जब इतना सारा जब बोर्ड पे आ जाता है और लॉजिकली ये प्रूव हो जाता है कि आप जिंदा जीने गए हो, और कहीं ना कहीं मुझको तो अंदर से लगते रहते हैं यार मैं तो कुछ तो ऐसा कर ही रहा हूँ जिसको मैं जीना मानता हूँ। बताना नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ, बताना नहीं पड़ रहा है, मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ कि मैं जो मुझको लगता है कि ये जीना है, लेकिन आपकी डेफिनेशन से ऐसा निकल के आ रहा है कि सब सब कुछ जिंदा रहने जैसा है, तो मेरा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मैं लगातार मैं बिना किसी अपेक्षा के ब्लड डोनेट करता रहा हूँ, तो इसको जिंदा रहना मानेंगे कि जीना मानेंगे? मैं इसको जीना मानता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, माइक ले लो, माइक के बिना कोई इच्छा नहीं। वो उनकी खुद की इच्छा होगी सर, जैसे कि अगर मैंने किया है तो मुझे उसे बताने की जरूरत क्या है? नहीं, बताने की जरूरत नहीं हो, तो मैंने पहले भी कहा कि जब डिस्कशन ऐसा निकल आया तो डिस्कशन में क्लैरिटी के लिए आदमी पूछ रहा है कि भाई किसमें आएगा, क्लैरिटी के लिए पूछ। मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूं और मुझे किसी को बताना नहीं है। हाँ चलो, मान लो मैंने किसी जिंदगी भर ब्लड डोनेट किया और मैंने किसी को बताया नहीं, अब जीने में आएगा? हाँ, ऐसा ले लो। तो बोलिए, वोटिंग करते हैं, कितने लोगों को लगता है कि बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के, बिना अखबार में नाम छपाने की अपेक्षा के, दूसरों की हेल्प करने के मोटिव से किया गया ब्लड डोनेशन जीने में आएगा? ठीक हो गया, अपना अपना हाथ याद रखिएगा। कितने लोगों को लगता है कि ये जिंदा रहने में आएगा? ठीक, जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनमें से जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कहा और जिन्होंने जीने के लिए कहा, दोनों अपना अपना एक्सप्लेन करें। माइक इधर, माइक दे इधर, एक माइक दीजिए, और जिंदा रहने में से कोई एक माइक पकड़ ले जिन्होंने जिंदा रहना कहा। स्वामी आनंद निकेतन से, मैंने जिंदा रहने के लिए हाथ उठाया था। मेरी समझ से अगर उन्होंने ब्लड डोनेट किया है, चाहे कितनी भी बार किया हो, खुशी से किया है तो वो जीने के लिए किया है, बिकॉज ही इज़ हैप्पी, ही और शी इज़ हैप्पी। लेकिन अगर दूसरों को डोनेट करने के लिए किया है, या इस सोच से किया है कि मैं डोनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो सामने वाले को मिल रहा है खून, ये सोच से किया है तो वो जिंदा है, ये मेरी सोच है। बढ़िया, किसी न किसी तरह से तो समाज का कुछ भला हो ही रहा है, इसलिए जीना जी रहा है वो। बढ़िया, कोई इसकी अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक बात, ऐसे लगता है। हम आपके एग्जांपल को भी, अगर एग्जांपल को भी ले रहे हैं, आप भी एक समाज सेवा कर रहे हैं या सुधार रहे हैं, तो इसका मतलब आप जिंदा रह रहे हो ऐसा नहीं है? नहीं, तो समाज सेवा समझेंगे उसको, मैंने पहले भी कहा। समाज सेवा भी नहीं बोलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं किसी का उद्धार हो रहा है, इट इज बीइंग अ हेल्पफुल सिचुएशन। बढ़िया बढ़िया, समझेंगे। हाँ जी, और कुछ को शेयर करना है? सर, हाँ जी, माइक ले लीजिए। कहाँ हो आप? इधर। इधर बोलने से थोड़ी इधर होता है। सबसे इधर। अंतिम देसाई फ्रॉम एमबीसी भाड़श। इसको मैं जिंदा रहने में कहूँगा, क्योंकि वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वो उनके हिसाब से कर रहे हैं, उसमें उनकी खुशी मिल रही है, ठीक है, और उसके पीछे तात्पर्य उनका ब्लड डोनेशन था। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जीने में हम डाल सकते। मैं मेरे एग्जांपल से देता हूँ, मैं भी पहले ब्लड डोनेट करता था, एवरी 3 मंथ डोनेट करता था, पर जब एक बार जरूरत पड़ी मेरे ही रिलेटिव्स को, पर तब मैं दे नहीं पाया, उस वक्त से मैंने ब्लड डोनेट करना बंद किया। तब मेरे दूसरे रिलेटिव्स को जब जरूरत पड़ी तब मैं डोनेट कर सका,
तो वो मेरे लिए वो जीना हुआ। जरूरत के हिसाब से मैं डोनेट कर रहा हूँ, वो मेरे लिए जीना हुआ। आप मन से कर रहे हो, वो एक रूटीन आपने बना दिया कि हर 3 महीने के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, कर रहे हो, तो वो जिंदा रहना हुआ मेरे हिसाब से। नहीं, आपके हिसाब से हुआ, उनके हिसाब से तो वो भी किसी को हेल्प करने के लिए कर रहे थे, बल्कि उनका दृष्टिकोण ज़्यादा वाइड है। आपने अपने 10 लोगों को चुन लिया, उसने पूरे संसार को अपना मान लिया, ऐसा सोचोगे तो ऐसा नहीं लगेगा। सर यहाँ पीछे 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 बीच में बीच में यहाँ पे आगे और पीछे बोलते हैं। ये मेरे हिसाब से जीना हुआ, क्योंकि इसमें किसी को कोई प्रताड़न नहीं है, किसी और की फीलिंग्स या कुछ भी वो हर्ट नहीं कर रहे हैं, ना कि उनके मन में, खुद के मन में कुछ संघर्ष चल रहा है। वो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा के लिए या कुछ भी इंटेंशन के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जीने में बहुत कुछ पहलू आते हैं, ना ही अकेले ब्लड डोनेट आता है। उनका फैमिली वैल्यू कैसा है, उनका समाज के साथ कैसा है, वो सब भी अगर ठीक है तो हम उसको जीना कह सकते हैं। बाकी अगर पर्टिकुलर ब्लड डोनेशन की एक्टिविटी को देखें तो वो मेरे हिसाब से जीना है। तो सारे जीना हो गया, फिर क्या बचा? ब्लड डोनेशन भी जीना हो गया, बाकी तो ठीक। हाँ जी, और किसी को कुछ शेयर करो? हाँ बेटा, माइक। सर अगर वो खुश होके दे रहे हैं तो फिर वो जीना होगा। एक्सेलेंस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, ये जो ब्लड डोनेशन वाला एग्जांपल है वो जिंदा रहना में आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे आपने भी समझाया कि कोई चीज़ क्षणिक होती है तो उसको हम जीने में काउंट नहीं करें, जिंदा रह गए तो उस हिसाब से ये जिंदा रहने में आएगा। और 25/7 ये भी आपने जो एग्जाम्पल दिया था ऑडियंस में से भी आया था कि भी हम हर बार डोनेट करेंगे ब्लड तभी हमें खुशी मिलेगी, तभी हम जिएंगे। ये भी एक मुश्किल बात है, और ये अच्छा है कि इससे जीना नहीं होता है। सपोज आपको ये पता चल जाए कि कोई आदमी जी रहा है और उसका ब्लड लेने से जीना हो जाता है, तो आप क्या करोगे? कतरा कतरा चूस डालोगे? तो कोई गलती से नहीं बताएगा मैं जी रहा हूं? ये काफी खतरनाक स्थिति है। दोनों जिंदा नहीं रहा, आप घर ब्लड मत लेना। नमस्ते नमस्ते दृष्टि मोली फ्रॉम अहमदाबाद जी। मुझे लगता है कि ब्लड डोनेशन से किसी का जीना बनता है, उसको शरीर के लिए जो आवश्यकता है, जीने की जो जरूरत है वो उनको मिलती है, तो हम जीने के लिए उसको मदद रूप हो रहे, मगर उससे उसका भाव और विचार में कोई हम अफेक्ट नहीं कर सकते। तो उस वजह से हम उसकी समृद्धि या उसके विश्वास में कुछ बढ़ावा नहीं कर सकते, तो उस वजह से हम उसका जीना नहीं इम्प्रूव कर रहे। समाज सेवा की जब बात होती है तो दो तरीके से हो सकती है, तो शरीर के लिए मदद रूप होना और दूसरा उसके में उसके में मतलब आपके बोलने के बाद थोड़ी मेरी सांस वापस आई। मैं सोच रहा था यार सुबह से लेके अभी तक इतनी मेहनत की और कुछ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बोलिए बोलिए। तो आप जो कर रहे हैं उससे हमारे खाने पीने या शरीर में कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है, मगर हमारे
हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि हमें अपने आप पे मनोमंथन करना पड़ेगा, हमें अपने लिए कुछ सोचने के लिए हम स्टार्ट होते हैं कि हमें सच में ये चीज कहाँ लिंक होती है। तो उस वजह से आप हमें जीने के लिए मदद रूप हो रहे हैं कि हम किस तरह से अपना जीना में जो अधूरापन है वो ढूंढे और उसको कैसे हम अपने परिवार तक ले जा सकते हैं। तो ये मेरा एक पॉइंट है। हाँ जी सर, सर मैं इसको जिंदा रहने के कंटेक्स्ट में देखता हूँ क्योंकि जीना फिजिकली भाव और विचार से संबंधित है और ब्लड डोनेट करना इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन एक्ट ऑफ डूइंग। किसी रीजन से मान लीजिए कि वो भविष्य में ब्लड डोनेट ना कर सके बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देन उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो जीने में नहीं हम उसको एक बात है जीना 24/7 ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। हाँ निरंतरता शायद थोड़े समय की सुख मिल जाए आनंद मिल जाए पर निरंतरता का अभाव रहेगा। जी समराइज कर लेते हैं मैं सोचता हूँ। हाँ जी बोलिए लास्ट लास्ट माइक 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 दौड़ो 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 हो गया हो गया सर मैं इसको जिंदा रहने की इसमें काउंट करना चाहूंगी बिकॉज चाहे ब्लड डोनेट करना हो या किसी भी और तरीके के समाज सेवा का कोई भी कार्य हो तो भले ही हम लोग उसके अगेंस्ट में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक स्वयं के प्रति सम्मान जागृत होता है तो वो कहीं ना कहीं उस सम्मान के लिए उस अच्छी फीलिंग के लिए हम लोग वो चीज़ कर रहे होते हैं और उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो स्वयं के प्रति जो विश्वास है उसका अभाव है तो वो जीना नहीं हो सकता, वो जिंदा रहना ही रहेगा। देखिए चलिए समराइज कर लेते हैं तो एक क्लैरिटी ये बने कि ब्लड डोनेट करने का मतलब है कि दूसरे के जिंदा रहने में मदद किया कि उसके जीने में मदद किया। तो ब्लड नहीं मिलता तो मर जाता, ब्लड मिलने से उसका भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो गया ऐसा हुआ, ब्लड मिलने से देने वाले का भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो गया है ना, ऐसा नहीं हुआ लेकिन कुछ सुकून मिलता है कि मैं किसी के काम आया मैं किसी को मदद किया। तो इसलिए कह रहे हैं कि तीन तरह का एक जीने का लेवल हो सकता है। एक जिसको हम बोलते हैं संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, इनसेंसिटिव होना। दूसरा जिसको हम कह रहे हैं कि संवेदनशीलता, सेंसिटिव होना। तीसरा कह रहे हैं कि संज्ञानशील होना। तो संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता का मतलब है कि दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में अपना तन मन धन प्रसन्नता पूर्वक अपनी खुशी के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं, हमको अच्छा लगता है सुकून मिलता है तो वो संवेदनशीलता है। इसलिए जिंदा रहने के दो लेवल हो गए। जिंदा रहने का एक लेवल है संवेदनहीनता। संवेदनहीनता मतलब मेरा काम हो जाए उससे आपका नुकसान होता हो, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए उससे आपका नुकसान होता हो, मैं सफल हो जाऊं उससे आपको जो भी नुकसान होता हो, आप मरे जियो इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरा फायदा होता हो मैं उसके लिए सोचता हूं, इसको इनसेंसिटिव होना बोलते हैं। संवेदनशीलता का मतलब क्या कि दूसरों का दुख मेरे को अपने जैसा लगता है, दूसरों के दुख को मैं फील कर पाता हूं। अभी एक लेवल ये हो सकता है कि एक पशु में भी संवेदनशीलता होती है, वो भी अपने बच्चों के साथ जो भी सुख दुख है उसको एक लेवल तक फील करता है। मानव में ये संवेदनशीलता बढ़ के पशु में संवेदनशीलता कब तक रहती है? जब तक बच्चा दूध पीता है, उसके बाद पशु में फिर उसके साथ कुछ भी करो वैसा संवेदनशीलता नहीं रहता। मानव में जिसको हमने जन्म दिया या जिनको हमने अपना माना ब्लड रिलेशन के रूप में, सारी जिंदगी वो संवेदनशीलता रहती है। बल्कि जिन लोगों के साथ हमारा कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है
उनको भी मैंने अपना मान लिया तो उनके साथ भी मेरा वो संवेदनशीलता एक्सटेंड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संवेदनशीलता का भी दो पार्ट कर सकते हैं। संवेदनशीलता का एक पार्ट है जो मोहवश आता है, संवेदनशीलता का दूसरा पार्ट है जो सही अर्थों में संवेदनशीलता है। तो जब भी हम अपने खून के रिलेशन के बाहर जाके, जब भी हम अपने ब्लड रिलेशन से बाहर जाके दूसरों के लिए हेल्पफुल होते हैं तो वो सही अर्थों में संवेदनशीलता है, उसमें कोई शक नहीं है। उसके पहले में मिनिमम हम मोहवश अपने परिवार के लोगों के लिए संवेदनशील होते ही हैं। और कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी मुहूर्त में किसी व्यक्ति के लिए संवेदनशील होता है, वही व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए संवेदनहीन हो सकता है कि नहीं? होता ही है, ठीक। तो इस रूप में हमने देखा। तो क्या समराइज किया? तो ब्लड डोनेशन किस में आ गया? संवेदनशीलता में आ गया। तो जिंदा रहने का जो हाईएस्ट डेवलपमेंट है, जिंदा रहने का जो चरम है, जो बेस्ट क्वालिटी है, वो संवेदनशीलता है। जिंदा रहने की जो मिनिमम क्वालिटी है वो संवेदनहीनता है। और फाइनली जीने को संज्ञानशीलता कहा। तो संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के निकट है, आसपास है, लेकिन फिर भी संज्ञानशीलता भी दूर है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर फिर क्या क्या इसमें आ जाएगा। तो जितना भी ये नेचर को लेके हमारा एक्सप्रेशन है, मिट्टी बचाओ, पानी बचाओ, गाय बचाओ, पॉलिथीन हटाओ, सफाई, स्वच्छता, ये सारी चीजें बेसिकली संवेदनशीलता में आ जाती हैं। दूसरों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाओ, दूसरों के लिए हॉस्पिटल खोलो, स्कूल खोलो, जो भी कुछ हम सारी बातें कर रहे हैं, अच्छा काम है, लेकिन फिर भी अभी क्या शेष है? जीना तो अभी शेष, जीना तो अभी और आगे। बोलिए, किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलिए। माइक मैं संज्ञानशीलता क्या है वो नहीं क्लियरली समझी, और आपने बोला था कि आप ये जो शिविर करते हैं तो आप इसके थ्रू मतलब आप जीते हैं, तो वो भी टेक्निकली उसमें नहीं आया जिंदा रहने में सेकंड वाले में। मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो संवेदनशीलता में नहीं आएगा, मैं जो कर रहा हूँ वो संज्ञानशीलता की तरफ जाएगा, क्योंकि मैं जो भी कुछ आपके साथ में शेयर करता हूँ वो फिलहाल आपके जिंदा रहने में कोई ज्यादा उसका रोल उस तरह से नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात ठीक ही है, इसमें ज्यादा जो हम जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं कि अमीरी, गरीबी, समृद्धि, जब हम ये बात कर रहे हैं कि एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं को पहचान सके, तो जब जिंदा रहे, जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें एड्रेस होता ही है। वो बात ठीक है आपकी। और आपने संज्ञानशीलता का मतलब है कि ये पूरा पाठ संज्ञानशीलता ही है, और अगले 6 दिन हम संज्ञानशीलता पे बात करेंगे। आज हमने ये तय किया कि अगले 6 दिन हम क्या चीज पे बात करेंगे। मैंने सुबह आपसे कहा था यदि एड्रेस गलत है तो कितनी मेहनत करके हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बात पहुंच रही? कितने प्रतिशत लोग हैं संसार में जो संवेदनशीलता को जीना मानते हैं? गुजरात में ये काफी बड़ा प्रतिशत मिलता है, क्योंकि गुजरात की बहुत अच्छी स्थिति इस मामले में है कि कम से कम हम संवेदनशीलता तक पहुंचे हैं। इस मामले में गुजरात बाकी स्टेट से देखा जाए तो तुलनात्मक आगे है। तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो संवेदनशीलता को संज्ञानशीलता मानते हैं, संवेदनशीलता को जीना मानते हैं? ये भी एक काफी काफी जैसे कितनी सारी चर्चा होने के बाद भी बार बार यही आ रहा है कि जो हम मन से करते हैं खुश होने के लिए करते हैं, जो हम मन से करते हैं खुश होने के लिए करते हैं, यदि उसमें खुशी की निरंतरता हो सकती है तो संज्ञानशीलता में आएगा। यदि वो अच्छा लगता है तो वो जिंदा रहने में आएगा। यदि वो अच्छा लगने से लंबा है तो भी वो संवेदनशीलता में आ गया। मैंने 1947 में ब्लड दिया था और मेरा भाव और विचार आज तक स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जिसको दिया था उसका स्टेबल हो गया ऐसा भी नहीं है। पता चला ब्लड डोनेशन के नाम पर परिवार में झगड़ा हो गया था, हस्बैंड ब्लड डोनेट करने आ गया तो वाइफ को लगा जो मेरा हिस्सा था किसी और को दे दिया। ऐसा अन्यथा ना ले, मैं कभी कभी ऐसे कमेंट कर देता हूँ। अब पतियों की तरफ से कुछ तो बोलूंगा तो पत्नियां भी अपनी तरफ से ऐसा बहुत सारा, खैर मजाक की बात अपनी है, लेकिन सार बात इतनी है कि फाइनली ब्लड डोनेट करना या शरीर के अर्थ में किसी को हेल्प करना
वो हमारे को सुकून लगता है। हमने भी बहुत किया है, अपने घर बेच के किया है, तमाम अपने घर के साधन लगा के किया है, उससे मेरे घर में सुकून आया, ऐसा नहीं हुआ, उससे मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, है ना। मैंने अपने वाइफ के गहने बेच के किया, अपना घर बेच के किया, कंप्यूटर और बेच के किया, 2.5 साल के बच्चे को लेके बस्तर के आदिवासी जंगल में आके बैठ गया, बिना किसी फंडिंग के आके बैठ गया, उसमें जो कुछ झेलना होना था सब हुआ ही, उसके बावजूद भी मेरी जिंदगी में सुकून आ गया, मेरे परिवार में सुकून आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो स्ट्रगल रहते ही। तो फाइनली एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस है, उसके अपने नियम हैं, जब तक वो नियम हमको पता नहीं चलते हैं, हम कितना भी अपनी गर्दन भी किसी के लिए कटा दें तो भी वो स्टेट ऑफ माइंड ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बढ़िया, थोड़ी सी कुछ कुछ क्लैरिटीज और बन जाए तब हम आज की बात को पूरा करेंगे। अब देखो एक लाइन और कह रहा हूं, है ना, लाइन लिख लो और फिर उस पर जांचना। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता, जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता, ये भी एक क्लैरिटी हो जाए। जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता। बहुत क्रिटिकली देखिए, मेरे को लगता है कि आज का दिन यदि एक सही फाउंडेशन हमारा सेट हो गया तो अगला 6 दिन बहुत हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं, और जो भी मैं कह रहा हूं उसको बिल्कुल ना मानने की पूरी कोशिश करें, उससे असहमत होने की पूरी कोशिश करें, ताकि उसके डिफरेंट एंगल्स पे हमारा ध्यान चला जाए। देखिए, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा सेंसरी हैप्पीनेस है जिसकी वजह से मेरे को भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्ति मिल जाए, जिसकी वजह से मेरा स्वयं के प्रति विश्वास, संबंध के प्रति विश्वास आ जाए? क्या ऐसा कोई चीज संभव है? है? मोमेंटरी है, बल्कि जितना ज्यादा मैं सेंसरी हैप्पीनेस की तरफ जाता हूं उतना स्वयं के प्रति विश्वास और संबंध में जीने का विश्वास कम पड़ता है। बढ़िया सूत्र है, पवित्र विचार ही मनोबल है, पवित्र विचार ही मनोबल है, का मतलब है कि सही विचार ही मनोबल है। अपने संबंध में हमारा भाव और विचार, मैं जिनके साथ में जीता हूं उनको नहीं पता है कि मैं क्या सोचता हूं, लेकिन मेरा भाव और विचार उनके लिए कैसा है ये मुझको पता चलता है। यदि मेरा भाव और विचार उनके लिए सही है तो ये मेरा मनोबल, ये मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये मेरी क्लैरिटी, ये मेरी स्टेबिलिटी, है ना, ये मेरे को अपने भीतर, ये मेरी स्ट्रेंथ होता है कि मैं सही हूं। दूसरों को पता नहीं है कि मैं अंदर में क्या सोच रहा हूं, लेकिन मुझको पता चलता है। तो इसलिए कहा कि कोई भी ऐसा इंद्रिय सुख ऐसा नहीं है, पूरी धरती की भी रजिस्ट्री आपके नाम कर दी जाए, पूरी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी जाए, तो भी ऐसा उसका कोई उसको टच नहीं करता है, बल्कि और नेगेटिव जाता है ना। तो कोई एक पॉइंट तक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मैं उसको क्लियर कर दूंगा कि इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना। दूसरा, रूप बल धन पद से मेरे को जो भी पहचान मिलती है, मेरी शक्ल बहुत अच्छी है, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास पद बहुत बड़ा है, क्या उसके आधार पर भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, स्वयं के प्रति विश्वास, संबंध के प्रति विश्वास, ये सब कोई लेन देन है? इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका अर्थ है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि रूप बल धन पद खराब चीज है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। तो रूप क्या है, रूप क्या है, मेरा आईडी है भाई, और क्या, इसके नीचे का फोटो ले लो, अब पूछो ये कौन है, पता चलेगा? तो इधर से पता चलता है कि ये मैं हूं। सबकी शक्ल एक जैसी होती तो क्या होता, रोज लड़ाइयां होती, ठीक। इसका मतलब है नेचर में देखेंगे तो हर चीज के होने का कोई पर्पस है, और वो इतना फाइन है, इतना परफेक्ट है। तो इससे एक क्लैरिटी हमारी हुई कि धरती के सभी लोगों का एक अपना आईडी है, हर आदमी का यूनिक आईडी है, उसका अपना यूनिक फेस है, उसके आधार पर उसकी पहचान होती है। शरीर, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हर मानव के पास में 5 ऐश्वर्य है, इसमें एक और है वो मैंने लिखा नहीं है, उसको बोलते हैं बुद्धि।
बुद्धि का प्रयोग अभी तक हमने नहीं किया है, ऐसा बोल रहा हूँ। बोलचाल की भाषा में जो बुद्धि शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो बेसिकली विश्लेषण की क्षमता है, एनालिटिकल कैपेसिटी है या मेमोरी। अभी पूरा एजुकेशन सिस्टम मेमोरी और लॉजिक पे बेस्ड है, ये बात ध्यान में आ गई। पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम मेमोरी और लॉजिक पे बेस्ड है, जबकि बुद्धि जिसको बोल रहे हैं, बुद्धि का मतलब है जहां बोध होता है, बोध का मतलब है जहां जानना होता है, जानना का मतलब है टू नो द रियलिटी एज इट इज, अस्तित्व में वास्तविकता जैसी है उसको वैसा ही जानना, और जानने का एक्सप्रेशन ही जीना है, जानना ही जीना है। जीना नहीं है इसका मतलब जानना नहीं है, जानना नहीं है इसका मतलब बोध नहीं है, बोध नहीं है इसका मतलब बुद्धि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अभी तक कितने प्रतिशत लोगों ने बुद्धि का प्रयोग किया? बुद्धि नाम की फैकल्टी जब आगे हम चर्चा करेंगे तो आदमी की सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसमें मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, तब उनको सारी फैकल्टीज को हम विस्तार से चर्चा करेंगे और तब हम पाएंगे कि अभी तक जो कुछ हम कर रहे हैं वो मन वृत्ति चित्त के लेवल का है। इसलिए चाहे हम चांद तक पहुंच गए, वो मेमोरी और लॉजिक का कमाल है, तो हमारी मैक्सिमम उपलब्धियां, जितना भी साइंटिफिक इनोवेशन है उसका बड़ा भाग मेमोरी और लॉजिक ही है, सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिला के वो मेमोरी और लॉजिक ही है। तो इससे हमारी एक क्लैरिटी बनी कि बेसिकली बुद्धि का प्रयोग हमने नहीं किया है। यदि सही अर्थों में देखें तो रूप बल धन पद का पर्पस क्या है? रूप बल धन पद का पर्पस क्या है? तो रूप तो समझ में आ गया कि मेरी आईडी है, मेरी पहचान है ना, मेरे को पहचानने का तरीका है। शरीर तो बेसिकली जिसको कह रहे हैं कि धन पद, जब धन बल शरीर और बल की बात करते हैं तो अपने शरीर के, अपने परिवार के लिए, अपने आजीविका कमा, बेसिकली वो जिंदा रहने के अर्थ में है ना। और सही अर्थों में कहा जाए या तो पद जिंदा रहने के अर्थ में है। अभी का पद कैसा है? अभी का पद जब बुद्धि के बिना है तो जिंदा रहने के अर्थ में है, या दूसरों को जिंदा ना देने के अर्थ में, ना रहने देने के अर्थ में, तंग करेगा दूसरों को? तो सही अर्थों में नेचर में जैसा है, बुद्धि को व्यक्त करने का साधन रूप बल धन पद है। बुद्धि को व्यक्त करने का साधन, तो मेरे पास कोई समझ है, उसको व्यक्त करने का साधन क्या होगा? मेरे को, मैं प्रिंसिपल हूं तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी है कि एज ए प्रिंसिपल मैं मेरे विजन को ट्रांसलेट कर सकता हूं। मैं कोई डायरेक्टर हूं, मैं किसी और पद पे हूं, तो मेरे पास कोई विजन है तो मैं उसको ट्रांसलेट कर सकता हूं। और मेरे पास विजन नहीं है तो क्या करूंगा? फिर क्या करूंगा? फिर जो हो रहा है वो आपको पता है ना। तो इससे क्लैरिटी बनी कि रूप बल धन पद कोई खराब चीजें नहीं है, रूप बल धन पद भी नेचुरल चीजें हैं। जैसे आप सुबह किसी ने कहा था कि एक परिवार में माँ होना भी एक पद है, यदि उस ढंग से हम देखेंगे तो ऐसा कहना गलत नहीं है। पिता होना भी एक पद है, उस पद का विजन हमारे पास नहीं है अभी की स्थिति में। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि हमने अपने बच्चों के जिंदा रहने में सहयोग दिया है कि जीने में सहयोग दिया है? पीछे वालों, हमने अपने बच्चों के जिंदा रहने में सहयोग दिया है कि जीने में सहयोग दिया है? जिंदा रहने में सहयोग दिया है और जीने को तंग कर करके सहयोग दिया है। पैसा पेड़ पे नहीं लगता है और तमाम तरह की बहुत सारी बातें जितना हम सुनाते हैं घरों में, एक दूसरे को जितना सुना रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग घर में बने हुए हैं, ये अच्छी बात है। काफी कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होने की जरूरत है, काफी कुछ ऐसा हो जाता है। तो इससे हमारी क्लैरिटी बनी कि कोई भी रूप बल धन पद जिंदगी को छू नहीं सकता, कोई भी इंद्रिय भोग जिंदगी को छू नहीं सकता। इसलिए कहा कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। क्लैरिटी बनी? अब कोई कंफ्यूजन हो तो आप बोल दो, जितना मैंने कहा उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं। माइक।
हेलो सर, आपने कहा पवित्र विचार या सही विचार ही मनोबल है, तो वो पवित्र विचार क्या है? जीने का विचार, जीने की समझ। और कल से वही चर्चा करें। इतना समझ लो कि जब भी हमारे भीतर कुछ नेगेटिव होता है, किसी को पता चले नहीं चले, हमको तो पता चलता है, उस समय हमारा मनोबल कैसा लगता है? जो लो फील करते हैं, उसमें हमने कुछ किया नहीं है, जबरदस्ती बैठे बैठे लो फील कर रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा होता है, लो फील करते हैं, क्या चीज है ये? वही है। हाँ जी, बढ़िया ना, खुश हो ना, कल से जिएंगे ना, ऐसे उदास क्यों होते हैं? हाँ बेटा, माइक। सर, मुझे संवेदनशीलता समझ में नहीं आई। संवेदनशीलता का मतलब है तो तुम्हारी दोस्त को हेल्प करती हो कभी कभी कि नहीं करती? हाँ। क्या हेल्प करती हो? उसको कोई चीज नहीं मिलती है तो मैं ढूंढने में मदद करती हूँ। यही संवेदनशीलता। बढ़िया। हाँ जी, तो चलिए, तो आज के लिए जोरदार तालियां। मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। आप खुश हो कि नहीं? आप कल से खुश होना शुरू कर दोगे, है ना? ये ठीक है कि आज का दिन थोड़ा सा हमको भारी लग सकता है, क्योंकि जो हम सोच रहे थे, जो हम मान रहे थे, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और वो ठीक ही है, कोई शिविर में आके बोलते हैं कि हम तो कंफ्यूज हो गए हैं, आपने कंफ्यूज कर दिया। तो मैंने कंफ्यूज किया है कि आप कंफ्यूज थे ही और आपको पता भी नहीं था। हाँ, आप कंफ्यूज थे भी और आपको पता भी नहीं था, है? हाँ, माइक ले लो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, कहीं के नहीं बचे। जो मैंने सुबह कहा था कि यदि एड्रेस ही गलत है तो कितनी मेहनत के बाद मंजिल को पाएंगे, इस बात पर ध्यान गया? हम में से कितने लोग हैं जो जिंदा रहने को जीना मान के चल रहे थे? ऑलमोस्ट ऑल। किसी ने संवेदनशीलता को जीना माना है, किसी ने मनमानी को जीना माना है, किसी ने पैसा हो जाने को जीना माना है, किसी ने फॉरन में सेटल होने को जीना माना है, किसी ने विशेष प्रकार की जॉब मिल जाए उसको जीना माना है, किसी ने सेलिब्रिटी होने को जीना माना है। इनमें से कुछ भी जीना नहीं है। जिंदगी तो कुछ नहीं भरता, इतना ही पता है। ये भ्रम आपका 10 साल में टूटेगा कि 20 में टूटेगा कि 60 में टूटेगा, इतना ही है। तो बड़ी अभी हमारी स्थिति कैसी है, जिंदगी में बहुत बड़ी कीमत चुका के छोटी छोटी चीज सीख रहे हैं, कीमत बहुत ज्यादा चुका रहे हैं। तो क्या ठीक है, समझ के करना ठीक है कि करके समझना ठीक है? समझ के करना ठीक है कि करके समझना ठीक है? अभी करके समझ रहे हैं कि समझ के कर रहे हैं? अभी जैसा जी रहे हैं वो करके समझ रहे हैं कि समझ के कर रहे हैं? करके समझ रहे, करके समझ रहे हैं कि करके झेल रहे, करके भुगत रहे और फिर दूसरे को भुगता रहे, जो जिसके पास है उसको बांटेगा ही। तो पूरा परिवार जो प्यार का सागर होना है, होने की आवश्यकता है, जो सही अर्थों में प्यार का सागर है ना, वो कुरुक्षेत्र हो गया। तो कैसे उसको हैंडल करें, कैसे हमको जीने का विश्वास आ जाए, कैसे हमको लगेगी आज जिंदगी बहुत आसान चीज है, उसको जिया जा सकता है और जम के जिया जा सकता है, बहुत मीनिंगफुल हुआ जा सकता है, बहुत क्रिएटिव हुआ जा सकता है। तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा स्ट्रगल में लगे, जिंदगी का बड़ा हिस्सा क्रिएशन में लगे। और क्रिएशन ऐसी चीज नहीं है जो साल दो साल में पांच साल में हो जाती है, वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। तब जाके आपको लगता है कि हाँ, कुछ क्रिएट हुआ ऐसा, जिसको देख के आप भी खुश हो सकते हो, जिसको देख के जमाना भी खुश हो सकता है।